जूना सोमवारिया बिलोटीपुरा जोशी मोहल्ले में विकास जोशी, सुनील जोशी एवं चिंटू जोशी द्वारा गुंडागर्दी की हदें पार करते हुए मोहल्ले में हर किसी को गाली गलौज देना एवं कॉलोनी के लोगों को डराना धमकाना दारू पीकर गाली गलौज देना आए दिन चला रहा है। इसी प्रकार की घटना नंदगढ़ निगम में पदस्थ विकास जोशी के भाई सुनील जोशी एवं चिंटू जोशी द्वारा की गई। आरोपी के घर के पास प्रेमलता जी जोशी का मकान है। सुनील एवं चिंटू ने दारू पीकर प्रेमलता बाई के मकान पर लात मार के दरवाजे को तोड़ दिया एवं प्रेमलता के न्यू निर्माण मकान पर कार्य कर रही महिला के पति को धमकी देते हुए कहा कि अगर यहां काम किया तो जान से मार देंगे। वहीं कार्य कर रहे व्यक्ति की पत्नी से गलत व्यवहार करते हुए अपशब्द का प्रयोग किया एवं धमकाया कि अगर तेरे पति यहां पर कार्य करेगा तो हाथ पैर तोड़कर अपाहिज बना देंगे। इस घटना को लेकर मजदूर की महिला एवं मकान मालिक प्रेमलता के पुत्र कृष्णकांत जोशी एवं पुत्री ममता जोशी थाना जीवाजीगंज पहुंचे और जहां पर उपस्थित पुलिस इंचार्ज भदौरिया द्वारा स्पष्ट शब्दों में मजदूर की महिला को डांटते हुए रिपोर्ट लिखने से स्पष्ट मना कर दिया गया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपस्थित है, जिसे लेकर एडवोकेट ममता जोशी ने पुलिस इंचार्ज भदौरिया से कहा कि महिला से सुनील एवं चिंटू द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहीं उनके भाई विकास जोशी जो कि नगर निगम में पदस्थ हैं अपनी नौकरी का रुबाब झाड़ता है और गुंडागर्दी करता है। इस प्रकार की गुंडागर्दी कब तक आमजन सहेगा, इनकी रिपोर्ट लिखी जाए। परंतु भदौरिया द्वारा स्पष्ट शब्दों में मना करते हुए कहा कि आवेदन दे दो, हम जांच करेंगे, जबकि फरियादी महिला खुद थाने पर चीख चीख कर बोल रही है कि मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है और पट्टा खोलकर मुझे मारने की कोशिश की गई है एवं गाली गलौज देकर अपमानित किया गया है। परंतु फिर भी डेढ़ दो घंटे तक काफ़ी परेशान होने के बाद रिपोर्ट लिखी गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अभियान चलाया गया कि महिला सुरक्षा एवं महिला की सुनवाई सबसे पहले होगी। परंतु जीवाजीगंज थाने की लापरवाही, जहां पर थाना कर्मी भदौरिया द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया गया और लापरवाही बरती गई, जिससे गरीब महिला को दो घंटे तक थाने में परेशान होना पड़ा और शासन प्रशासन ऐसे निठल्ले पुलिसकर्मी पर एक्शन ले एवं इन्हें पदमुक्त करे ताकि दोबारा कोई गरीब महिला इस तरह से परेशान ना हो एवं उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। थोड़ा किसने है? ये इसने थोड़ा रामू का छोरा है, विक्की ना, विक्की और चिंटू दो बना लो गैस और सामने अपन में जो ये तरीके लिए दिया तुम्हारा काम तुम 10 बार आओ तो हमसे क्या तुम पूछोगे। अब ये फोन लगाते मैं हर घर किसी का फोन आते बात कर रहे हैं ये तो गाली का आज ने गाली का दिन हमने से गाली बात करे आपको बस उनका लड़का था, पतला दुबला था, उसका नाम का नहीं मालूम था, इतनी नंगी नंगी गाली बकरिया था, सब देख रहा था। आपको कोई मना करेगा क्या कि इनको क्यों गाली बकरिया? उनकी मम्मी को भी लगे, उनकी मम्मी को चाटा मारना चाहिए, नंगी चीज को क्यों गाली बकरिया? ऐसी तुम्हारे घर में रोज दारू पिया, कुछ भी करे दारू, उन पर गाली बात है या अभी एक घंटे से पहले की बात है? एक घंटे इसके पहले का विवाद हुए हैं उसके आपके? नहीं कभी नहीं, पहली बार उसने गाली बकी। आज ही परेशान कर की गाली बकी है वो। आज ही मुझे बसाना लोगों को पता परेशान करता है ना भैया लोग। अपने के लिए खड़ा हो गया बताओ। बस उनका लड़का था, वो पतला दुबला था, उसका नाम तो नहीं मालूम था, इतनी नंगी नंगी गाली बकरिया तो सब देख रहा था। आपको कोई मना करेगा क्या कि इनको क्यों गाली बकरिया? उनकी मम्मी को भी लगे, उनकी मम्मी को चाटा मारना चाहिए, नंगी चीजों को क्यों गाली बकरिया? ऐसी तुम्हारे घर में रोज दारू पिया, कुछ भी करे दारू, उन पर गाली बात है? कितनी देर पहले की बात है? या अभी एक घंटे से पहले की बात है? एक घंटे पहले। इसके पहले का विवाद हुए हैं उसके आपके? नहीं कभी नहीं, पहली बार उसने गाली बकी और इतनी नंगी नंगी गाली बकरी है वो। वो नौकरी भी करता है ना कोई से? सरकारी भैया नौकरी वोकरी में दिन मानी रहती हूँ, मैं काम करने जाती हूँ, मैं 3 बजे आती हूँ काम पे। सब अभी मैं खाना बना रही, मेरे घर पे मैं बच्चे डरने लग गए मेरे, ऐसी नंगी नंगी गाली बकरे पट्टा लेके खड़ा हो गया मानने के लिए। वो तो उसकी बड़ी मम्मी आ गई बचा के ले गई उधर। लिखित में दो ना, हम क्यों देंगे सर? टाइम में होगी ना उसकी, एक बार कहाँ लिखा है आप बता दो, कहाँ लिखा है आप तो बता दो। महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है, महिलाओं के साथ अपराध हो, कहाँ लिखा है कि रिपोर्ट में आपको लिखित
वो जो महिला है उसकी तो लिख रहे हैं ना सरकार, तो लिखिए ना उसी महिला। आपसे जब ये कह रहे हैं कि वो महिला को गाली बकरे बकरे आए उनने दरवाजा भी तोड़ा, फिर आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे? अच्छा आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखेंगे श्रीमान जी? थाना किस लिए? लिखित में बोल रहा हूँ कि आप लिख के दें और मैं नहीं, तो आवेदन का क्या मतलब? आप रिपोर्ट लिखो ना डायरेक्ट। टाइम ही होगी सर। तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं, कारण बता दीजिए आप। घर में घुसने का टाइम ही का अपराध बनता है। आपके केले से नहीं, उसको बुलवा यार, ने तुमको बोला दीवान जी। बस ठीक है, हम बुला रहे हैं उसको, बुलवाओ आप। किस लिए बिठाया गया आपको ये बताइए? इसीलिए बिठाया गया रिपोर्ट लिखने के लिए। रिपोर्ट तो लिखो ना फिर। नहीं ऐसे गलत झूठे नहीं, हम जांच, ये झूठी रिपोर्ट नहीं है, हम जांच करेंगे सीधी बात। दबाव में रिपोर्ट नहीं लिख रहा श्रीमान जी, आपके ऊपर किसका दबाव? मेरे पास किसी का नहीं, मैं निष्पक्ष काम कर रहा हूँ। मैं निष्पक्ष काम कर रहा हूँ, मेरे पास किसी का फोन नहीं है ना कोई, मतलब मैं निष्पक्ष काम करूंगा। यही हिसाब से मिलो ना। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।